वहाँ पे गोल्ड सुख भी है और वो गोल्ड सुख बहुत ज्यादा फेमस है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जसप्रीता कलसी और मेरे को ना थोड़े बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ आप व्लॉग बनाओ, तो एक सरप्राइज है। लास्ट व्लॉग में मैंने अपने बोला था ना कि फिर मिलेंगे चलते चलते, पर पता नहीं था कि सच में एक्चुअली में दुबई का प्लान इतनी जल्दी बन जाएगा। लोली लोली लगेगा, अब बहुत ज्यादा लगेगा। नहीं लगेगा, चार बजे में तो आ जाएंगे। हैप्पी होली। Happy Holi, Happy Holi, 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 Happy यहाँ पे होली डेकोरेशन हो रहा है। ये मेरे घर में भी होता है और इसके अंदर ना धागे होते हैं। दो ले लो या एक। की चेन्स कितने सुंदर लग रहे हैं ना। सो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा कोल्ड कॉफी और पिज्जा ऑर्डर किया क्योंकि भूख लग रही है। पापा का पासपोर्ट आ गया। ओह इसी बात पे चीयर्स। फाइनली हेयर इन दुबई। इतनी लंबी जर्नी थी, थक गई मैं बैठे बैठे। वैसे विदेश आना इज नॉट सोखा, इट्स वेरी ओखा। और मैंने ये सारे ब्रेसलेट्स ना थाईलैंड से लिए थे एक्सेप्ट फॉर द रुद्राक्ष। तो क्या हुआ था कि ट्विंकल और मेरी मम्मी, हम तीनों ना बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, तो हम लोग ना प्लान बना रहे थे कि कहीं चलते हैं। देन क्या हुआ कि एकदम से ट्विंकल और मुझे स्ट्राइक हुआ कि मम्मी कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप पर नहीं गई है, तो मैंने और ट्विंकल ने दुबई की टिकट्स करवा ली एंड वी वर लाइक ओके लेट्स मेक दिस ट्रिप मेमोरेबल एंड मम्मी की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाएगी। बट मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया इतने अच्छे से ट्रैवलिंग पार्ट, क्योंकि मैंने अपने लास्ट दुबई वाले ब्लॉग्स में पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ रिकॉर्ड किया था। सो आई विल लिंक दैट वीडियो डाउन फॉर यू गाइज इन केस यू वांट टू हैव ऑल द डिटेल्स। हम लोगों ने चेक इन भी कल रात को ही कर लिया था होटल में एंड पता है हमें कौन सा वाला व्यू मिला है। डोर्स एंड ऑल सब कुछ बंद थे, तो मम्मी को ऐसा लग रहा था कि कुछ विंडो होगी तो मैं देखती हूँ ओपन करने के लिए। एंड जैसे ही मम्मी ने वो स्लाइडिंग वाला डोर होता है ना वो देखा, तो वहां पर ना किसी ने स्क्रैच लगाए हुए थे। मे बी कोई यहाँ पर पहले रहा होगा तो उन्हें देखना होगा कि वहां पर क्या है, तो कुछ कॉइन्स ऐसे या फिर कुछ ऐसा स्क्रैच लगा रखे थे। तो मम्मी ने जैसे ही देखा उस साइड ग्रेवयार्ड था, मतलब हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग आराम से आकर सो भी गए और हमारे होटल के बिल्कुल पास में ग्रेवयार्ड है। हटियो मुझे भी देखा, अभी रनी से भी बंद कर चुकी है, व्यू तो है ही नहीं, तो ब्लरी है। ओए हाँ, यहाँ से ग्रेवयार्ड है। हम लोग मम्मी ग्रेवयार्ड के पास सो रहे हैं और वो भी कितनी सारी हैं। If you want to know that how I did my makeup, then do check out my Instagram account, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसका पूरा ट्यूटोरियल पोस्ट करा है। And also a get ready with me talking वाला वीडियो कि मैंने कैसे अपने आप की आउटफिट स्टाइल करी है आज की। Let's go. Are we guys ready? Okay guys, I'm how I'm looking. Wow, you're looking so pretty. So pretty. I'm looking gorgeous. You're looking gorgeous. Girls trip. और यहाँ पे ना करीम ऐप चलती है, तो हम लोगों ने ना टैक्सी ऑर्डर करी है, अभी हम नीचे ही जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं आज अल सीफ सबसे पहले। दुबई, बुर का मतलब होता है ओल्ड, एंड यहाँ पे पता चलता है कि दुबई का पहले का कल्चर कैसा था। अगर आप यहाँ पे बिल्डिंग्स भी देखोगे, आउटफिट्स देखोगे, स्टोर्स देखोगे, तो आपको वही सारे सुविनियर्स लेके जाने को मिलेंगे जो पहले दुबई में हुआ करते थे। Honest, I'm very happy with my makeup, my hair styling and my outfit today. It's perfect. Going with the vibe and color bhi match kar raha hai.
है कॉफी पीने के लिए। Take a picture of me. Take a picture of me. So beautiful. ये स्टारबक्स के पीछे ही है और यहीं से ना हम वन दिरम में बोट से उस साइड भी जा सकते हैं और वो डेरा दुबई है, वहाँ पे गोल्ड सुख भी है और वो गोल्ड सुख बहुत ज्यादा फेमस है। नाउ रिटर्न द फेवर एंड क्लिक माई पिक्चर्स ऑल्सो and I'm not gonna say if you come to Dubai, I'm gonna say when you come to Dubai you must visit this place because I'm already manifesting this trip for all of you. एंड आप यहाँ पे प्राइवेट याच भी बुक कर सकते हो। अवे फ्रॉम द क्राउड जाकर ऐसी थोड़ी सी शांत वाली जगह ढूंढो और ऐसी वीडियोस बनाओ। अब देखना कितना सुंदर इफेक्ट आएगा जब मैं अंधेरे से बाहर की तरफ आऊँगी एंड आई फील लाइक द ईवी फ्रॉम द मम्मी। This is an old vintage shop. हमारे पास शोकेस होते थे ना बहुत पहले हमारे घरों में। यहाँ पे कोई विंटेज ज्वेलरी का वो है ज्वेलरी बॉक्स रखने वाला? दिस कॉर्नर इज लुकिंग सो प्रिटी। मतलब इनका सोफा ऐसा होता था? वाओ, शरबत। यस शरबत। ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली मूवी में आ गया। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर विंटेज चीजें देखने को मिल रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पे रोज आऊँ न्यू लुक बनाकर और एंड के शॉट्स यहाँ पे लूँ। सरप्राइजिंगली आज दुबई में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। आई मीन आज बहुत ज्यादा ठंडा है ना। दैट्स इनोवेटिव। और दूर से मुझे ये बहुत ही एस्थेटिक सा कॉर्नर दिखा। हैप्पी विद माय मेकअप टुडे। आई हैव डन बैम्बी आईज and I've also added white eyeliner. Are you happy? Yeah. मेरा face बिल्कुल आप पे गया। So अगर मम्मी यहाँ पे अपने 23rd year में आई होती तो मम्मी ऐसे लग रही होती। You'll find such chandeliers almost everywhere here. Ignore that. Look at this. The mummy wala बिल्कुल mentally I'm in a jit. Even the washroom here is a vibe. I love the vatavaran of this washroom. Oh my god, what is the word? What does it mean? It means vibe. So whenever I come to a washroom, I say I love the vatavaran of this washroom. Look at this lane. प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक करी है। बस आज थोड़ा सा ना सन गॉड ने हेल्प नहीं करी, अदरवाइज बहुत सुंदर पिक्चर्स आ रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर। इट्स रेनिंग हेयर इसलिए हम लोग सोच रहे हैं अब डेरा चलते हैं। From Al Seif, you'll have to cross the river and go to Dera Dubai. वहाँ पर gold souk है which is very famous and वहाँ पर मसाला souk भी है जो कि spices की market है basically. And यहाँ पर ना आपको river cross करने के लिए 2 dirham per person का ticket लेना होता है। बारिश हो रही है।
दैट बोट इज मैजेस्टिक. On that side we have Old Street Dubai. गोल्ड सूक बहुत सुना है इसके बारे में. अभी अराउंड 6 o'clock हो रहे हैं एंड मोस्टली यहाँ पर लोग ना शॉप्स थोड़ी देर के लिए ब्रेक पर बंद कर कर जा रहे हैं इफ्तार के लिए, इफ्तारी ब्रेक के लिए, और उसके बाद वो दोबारा से आएंगे एंड शॉप्स ओपन करेंगे. यहाँ पे थोड़ी सी सीपी वाली फीलिंग आ रही है. फिर हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. उसके बाद देखेंगे अगर ट्विंकल को कुछ लेना होगा तो. आई एम ब्रोक. चेंज कर लिए थे क्योंकि पहले वालों के साथ मेरे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा था. और यहाँ पर हर एक शॉप में एक से एक बढ़कर डिज़ाइंस हैं सच में. और ट्विंकल ने अपने लिए कुछ दिया है मैंने, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू गेट समथिंग फॉर मी टू. और यहाँ पर मैंने ना ब्रेसलेट्स ट्राई करे, मतलब दैट शॉपकीपर वॉज सो गुड कि उन्होंने मेरे को ऐसे ही मतलब ट्राई करने दिए. और जब मैंने वो पहना आई वॉज लाइक सो येस, दैट वॉज अ ग्रेट ग्रेट पार्ट. अभी उन्होंने ना सैफ्रन का टेस्ट करके दिखाया था कि अगर आप उसे वाटर में डालते हो तो पानी गोल्डन होना चाहिए. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्योर सैफ्रन. अरे बिट्टी, मम्मी ने ये लिया था प्योर सैफरन इस जार में और ये था 10 ग्राम्स मिला हमें 200 AED का. एंड एक्चुअली वी गॉट अ लिटिल मोर एक्साइटेड विद गोल्ड सूप में कि हम भूल ही गए कि अल सीफ पर तो फायरवर्क्स होने थे एंड वो मिस हो गया. सो नाउ वी हैव टेकन टिकट्स फॉर अल फीदी क्योंकि अल सीफ के लिए अभी बोट नहीं जा रही है तो हम अल फीदी जाएंगे, उसके बाद हम अल सीफ वॉक कर सकते हैं. बाय बाय डेरा. और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया. दीज थ्री प्लेसेस अल सीफ, अल फीदी एंड डेरा, दीज थ्री थिंग्स आर एक्चुअली प्रिटी गुड एंड यू नो दे एक्चुअली टेल यू द एक्चुअल एसेंस ऑफ दुबई इन अ वेरी ट्रू सेंस. सो येस, दीज थ्री प्लेसेस शुड बी इन योर दुबई आइटनरी फॉर श्योर. आई अप्रूव. एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड every time I post and I'll see you in my next one. Hopefully कल भी हम बहुत अच्छी अच्छी जगह जाएंगे and बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी. So yeah, see you around. Today we are going to Dubai Mall. Hello, mic testing 1 2 3. Camera is not doing any justice.
क्यूटी डिनर हबीबी कम टू दुबई.